हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार और आप देख रहे हैं एसके प्रोडक्शन। आज की वीडियो में दोस्तों हम जा रहे हैं भोलेनाथ जी के मंदिर तुमिष्ट धाम का भ्रमण करने। तो इस वीडियो में उसी मंदिर के बारे में मैं आपको कुछ तथ्य बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आप जिस गांव को देख रहे हैं यह गांव सबसे नज़दीक है धूमेश्वर धाम के। यह गांव थोड़ा सा ही दूर है धूमेश्वर धाम के। और यहां से आप देख पा रहे होंगे धूमेश्वर धाम जी के मंदिर को, बहुत ही भव्य और शालीन मंदिर पहाड़ों से घिरा हुआ। यहां स्थानीय लोग घूमते फिरते रहते हैं और आते जाते रहते हैं। ये जो जगह है यहाँ बहुत ही बड़ा भव्य मेला लगता है शिवरात्रि को, जब यहाँ से निकलने का भी जगह नहीं रहता, इतना यहाँ से भीड़ लगता है। आप देख सकते हैं कि आप देख पा रहे होंगे इतना स्थानीय लोग हैं यहाँ। यहाँ हर सोमवार को ऐसा ही भीड़ रहता है और डेली टू डे ऐसा ही भीड़ लगा रहता है। ये मंदिर का पुराना एंटर गेट है लेकिन नया एंटर गेट उधर ही रोड पर बन चुका है। आप देख पा रहे होंगे मंदिर के आसपास से मंदिर कितना भव्य शालीन है और बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। दोस्तों आप जैसा कि देख सकते हैं हम आ चुके हैं धूमेश्वर टेम्पल और रिवर वो है बहुत ही ज़्यादा चल रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं, करीब से भी दिखाएंगे, एक बार दूर से भी देख लीजिए। ये इसका नीचे का इलाका है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही लोग आते कम आते हैं क्योंकि ये बहुत बहुत गहरा है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं लोग कम हैं यहाँ। और इसके जस्ट साइड पीछे ही मंदिर है धूमेश्वर बाबा का, बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। अंदर भी जाएंगे, हो सके तो दिखाएंगे भी। शायद मुझे लगता है वहाँ पे अंदर कैमरे अलाउड नहीं है, बट आपके लिए मैं दिखाने का ज़रूर कोशिश करूँगा। चलते हैं इस नौचौकिए पर, वहाँ से दिखाते हैं कैसा नज़ारा है। हम आ चुके हैं नौचौकिए पर, आप देख सकते हैं यहाँ से तो बहुत ही अच्छा नज़ारा आ रहा है। ये धार है जिसे है धारा कहते हैं, बहुत ही तेज़ धारा होती है, वैसे पानी बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ से मंदिर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ, इधर थोड़े ज़्यादा पीपल्स हैं, आप देख सकते हैं। यहीं अभी हम नहाने वाले हैं, देखेंगे कितना मज़ा आता है। चलिए वहाँ से करीब से दिखाते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत पानी तेज चल रहा है, यहीं नहाने वाले हैं हम। हाँ, बहुत सारे पीपल्स हैं जो नहा रहे हैं, ये पानी कितना मस्त है। ये देखिए, आपको दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा वेदर है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बाबा नदी पार कर रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ से कितना ये बहुत तेज धार है और इन बाबा को कोई डर नहीं है क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है वहाँ से एक्रॉस करने का नदी को, और वो एक्रॉस कर सकते हैं। चलिए आपको इधर से दिखाते हैं, बहुत ही तेज़ धार है जैसे आप देख सकते हैं। मेरी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही होगी आपको, जब पानी बहुत तेज़ आता है तो दोस्तों वहाँ से भी पानी चलता है, बहुत सब जगह से पानी चलता है। आप देख सकते हैं, आपको इधर से भी दिखाते हैं। ये है दूध धारा, जिसे हम अपनी भाषा में दूध धारा कहते हैं, वैसे तो पता नहीं क्या कहते हैं। ब्यूटीफुल वेदर होते हुए ये दोस्तों नौचौकिया है। कभी कभी ये भी पूरा डूब जाता है, इतना पानी आता है दोस्तों यहाँ पर। जब पानी डूबेगा तब का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। अभी पिछले साल ये डूबा था जब इधर बाढ़ आ चुका था दोस्तों। अभी चलते हैं नहाने के
प्लेस पर, वहाँ से आपको कुछ व्यू दिखाऊंगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पर नहाने के लिए, रेडी है बिल्कुल। देखो मेरे भैया रेडी है, देखो बिल्कुल नहाने के लिए सब रेडी है। मैं भी नहाने वाला हूँ, आफ्टर दैट मैं दिखाऊंगा आपको मंदिर के अंदर का दर्शन और बाहर का भी दर्शन। तो दोस्तों चलते हैं मंदिर के अंदर सीढ़ियों से चढ़कर। तो दोस्तों ये था हमारा धूमेश्वरधाम भोलेनाथ जी का मंदिर। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को बाय बाय कहते हुए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉच। थैंक यू।